दोस्तों, सभी को नमस्ते। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने नींबू का पौधा लगा रखा है या आप लगाने वाले हैं तो कौन सा नींबू का पौधा लगाएं और किस तरीके से इसमें इतने ज़्यादा फ्रूट पा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 20 लीटर की बकेट है और पुरानी बकेट थी हमारे पास, पड़ी थी, तो इसमें हमने पौधे को लगाया था। और ये एक जो नींबू होता है, कागजी नींबू इसको बोलते हैं, उसकी 12 मासी ग्राफ्टेड वैरायटी है। और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें नींबू लगे हुए हैं। आप आपके सामने है, जितने इसमें पत्तियां नहीं है उससे ज़्यादा इसमें नींबू लगे हुए हैं। और अभी देखिए इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी नए नए ये नींबू बन रहे हैं। तो जितने भी इसमें फ्लावर आते हैं सब फल में परिवर्तित हो जाते हैं। कोई भी फ्रूट जो है इसका फूल होता है वो गिरता नहीं है। तो अभी हम आपको पूरी ट्रिक बताने वाले हैं और आपको ये भी बताएंगे कि ये पौधा आप कहाँ से ले सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसका जो सीक्रेट है। जब देखिए, लगाने से लेकर हम आपको अंत तक आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उंगली की मोटाई के बराबर का ये पौधा है, ये देखिए। और इसको पूरी बकेट भर के हमने मिट्टी भी नहीं डाली है, ये देखिए। और इसको आप चाहें जहाँ चाहें वहाँ इसे उठा के ले जा सकते हैं, इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसमें मिट्टी नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जब भी आप पौधा नर्सरी से लेकर आते हैं तो आपको लगाना कैसे होता है। जब आप लेकर आते हैं तो कोई बड़ा ड्रम लेते हैं या फिर कोई बड़े पॉट में आप उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो लगाने का तरीका है वो हम आपको बताते हैं कि जब ये पौधा हम लेकर आए थे तो ये पौधा छोटा ही था और इसको हमने इतने बड़े पॉट में शिफ्ट किया था। ये देखिए, ये 8 इंच का पॉट है और 8 से 10 इंच का पॉट जो होता है शुरुआत में लगाने के लिए पर्याप्त होता है। और इसमें नीचे जो है होल बहुत सारे होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आप लगभग 2 भाग आप ले लीजिए नॉर्मल मिट्टी के और 1 भाग आप ले लीजिए वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एकदम बेस्ट रहती है, अगर नहीं है तो गोबर की खाद आप ले सकते हैं और उसमें लाकर पौधे को लगा दीजिए। जब लगभग 1.5-2 महीने पौधे इसमें लगा रहेगा इस इतने बड़े गमले में, तो यहाँ से उसकी रूट दिखना स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी रूट यहाँ से दिखना स्टार्ट हो जाए तब आपको शिफ्ट करना है बड़े पॉट में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट मिलेंगे जल्दी ही जल्दी। और उसके अलावा आपको क्या करना होता है, ये देखिए, यहाँ पर 2 चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए, ये है एक सरसों की खली। ये हमने इतनी इसलिए रखी हुई है क्योंकि आपको हम बताना चाह रहे हैं कि इतनी खली जो है आपको क्या करना होता है, इतनी सी खली आपको लेनी है। ये देखिए, इतनी खली लेकर, इतनी खली इस गमले के लिए, इतनी बड़ी बकेट के लिए पर्याप्त है। ये 20 से 25 ग्राम खली है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेनी है। और इतनी खली 1 लीटर पानी में आपको भिगो देना है। भिगोने के बाद इसको 24 घंटे से आप रखे रहने दीजिए पानी में, उसके बाद एक बार चला दीजिए और फिर 24 घंटे छोड़ दीजिए, यानी 48 घंटे आप इसको रख दीजिए पानी में डुबोकर। ये घुल जाएगी अच्छे से। घुलने के बाद इस पानी को आपको यहाँ पर डालना है, इसको सिंचाई करनी है। और दोस्तों, सिंचाई तब आपको करनी है, देखिए सबसे अच्छी चीज़ आपको बताएं कि इसमें नमी जो है वो हमेशा बनाए रखनी है आपको। बिल्कुल सूखना कभी जो है पौधा की जो मिट्टी है ये कभी एकदम ड्राई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो फूल आ रहे होते हैं उस समय अगर ये ड्राई हो गई तो आपके जो फूल हैं वो सारे पौधे के गिर जाएंगे और उसमें फल नहीं बन पाएंगे। तो इसमें मॉइस्चर बना के रखना है। जब इसमें फ्रूट बन जाते हैं, फ्रूट सेट हो जाते हैं, उसके बाद आपको महीने में एक बार हल्का सा, देखिए जैसे इस तरीके की मिट्टी आपको दिख रही ना, ये इस तरीके की मिट्टी एक बार हो जानी चाहिए महीने में एक बार। और तब आपको जब ये मिट्टी हल्की ड्राई हो जाए ऊपर की, उसी समय ये वाला सिस्टम आपको अपनाना है। ये पानी आपको घोल के अच्छे से सरसों की खली का पानी तब देना, सिंचाई करनी है इससे। तो ये आप कर सकते हैं, ये आप जरूर करिए, महीने में एक बार, 25 दिन में एक बार कर दीजिए, तो आपका पौधा जो है बहुत ही हेल्दी चलता रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये देखिए, जो ये हम यूज़ करते हैं सागरिका के दाने, ये सागरिका के दाने होते हैं। अगर आप बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इसको ग्रो करना चाहते हैं तो ये दाने बहुत ही बेस्ट हैं। ये सी वीड ग्रेन्यूल्स होते हैं और इनको ये आप इतना ले सकते हैं, 10 से 15 ग्राम इतने बड़े पौधे के लिए पर्याप्त है। तो इसको आप चाहें तो वर्मी कंपोस्ट जो आप ऐड करेंगे इसमें, अभी आपको ये भी तरीका बताएंगे, तो आप चाहें तो इसमें ऐड करके तब यहाँ पर डाल सकते हैं। और नहीं तो आप जब भी इसकी गुड़ाई करते हैं, महीने में एक बार हल्की गुड़ाई करिए और गुड़ाई करते समय आप इसमें दानों को डाल दीजिए, गुड़ाई कर दीजिए, उसके बाद हल्का पानी दे दीजिए। तो ये आपको करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा फल पाने के लिए। अब जो तीसरी चीज़ है वो आपको बताते हैं कि देखिए, ये जो पानी यहाँ पर आपको भर के कभी देना नहीं होता है। और मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी भुरभुरी मिट्टी यहाँ पर है। अगर चिकनी मिट्टी आप इसमें भर देंगे ये तो आपके पौधे में उसकी रूट ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए मिट्टी, अगर आपके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो उसमें आप 25% यानी चौथाई भाग आप उसमें बालू मिला लें, तब इसकी जो है मिट्टी इसमें तैयार करके उसके बाद भरें।
और लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्मी कंपोस्ट बहुत ज़रूरी है, वो आपको ज़रूर ऐड करनी है, क्योंकि जितने भी पॉट में हम पौधों को लगाते हैं अगर उसमें ठोस मिट्टी भर देंगे तो उनकी रूट की जो बढ़वार होती है वो रुक जाती है और पौधे ज़्यादा जो है फल नहीं दे पाते हैं। इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि वर्मी कंपोस्ट आप मिलाएं, नीम की खली हो थोड़ी सी नीम की खली मिला लीजिए और जो भी आपके पास अवेलेबल सामान है वही मिलाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि केवल मिट्टी आप गमले में केवल मिट्टी ना भरें। अगर केवल मिट्टी भर के लगाएंगे तो आप फ्रूट जो है ज़्यादा पाने की उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि देखिए जड़ें इसमें तभी बढ़ती हैं जब इनको थोड़ा सा ये जो मिट्टी होती है वो थोड़ा जो है नरम मिलेगी, तभी ये अच्छे से बढ़ पाएंगी। तो अब आपको हम फाइनल से बताते हैं कि आपको ये जो खाद है वर्मी कंपोस्ट ये आपको 20 से 25 दिन में एक बार ऐड करनी ही करनी है। अगर ये आप नहीं ऐड करेंगे तो जैसे एक बार ये फ्रूट आ रहे हैं, ये फ्रूट आने के बाद इनको हम तो हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद नए फ्रूट बनना बहुत दूर की बात हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है इनका न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, पौधा ये कमज़ोर कमज़ोर दिखेगा, उसके बाद पत्तियाँ ड्रॉप होने लग जाएंगी। तो उससे बचने के लिए आपको जैसे अभी देखिए ये जो है फल पक रहे हैं और नए यहाँ पर जो फल हैं वो बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों अब जो फाइनल चीज़ आपको करनी होती है वो ये है कि देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है और ये लगभग 400 से 500 ग्राम है। अच्छी वाली वर्मी कंपोस्ट आपको लेनी है जिसमें सैंड होती है, बालू होती है, वो अगर है तो थोड़ा आप ज़्यादा मात्रा में मिलाएं। तो उससे पहले आपको करना क्या होता है, देखिए ये मिट्टी जो है ये देखिए ड्राई मिट्टी है, एकदम ऊपर की जो मिट्टी है वो ड्राई हो चुकी है और इसको थोड़ा थोड़ा सा आप इस तरीके से गुड़ाई कीजिए। महीने में एक बार आपको करना होता है ये, इससे जो है इसकी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ा खुल जाती हैं। इस तरीके से करने के बाद ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसमें ये जो ये सी वीड है इनको भी हम इसे डाल लेते हैं इसमें, और डालने के बाद इस तरीके से मिला लेंगे। और फिर इसके बाद ये जो वर्मी कंपोस्ट है इसको हम हर महीने एक बार ज़रूर ऐड करते हैं ताकि इसकी ग्रोथ अच्छे चलती रहे, और ग्रोथ के साथ साथ जो नए फ्रूट्स बनते हैं वो फ्रूट जो है ड्रॉप नहीं होते हैं, वो फ्रूट जो है अच्छे से इसमें लग जाते हैं, नए नए फ्रूट्स बनते रहते हैं। और ऐसा करने के बाद देखिए ये जो मिट्टी है इसको फिर से यहाँ पर इस तरीके से मिला देना है। इस तरीके से मिलाने के बाद अब यहाँ पर हम पानी दे देंगे। तो इस तरीके से अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में फल पा सकते हैं। और जब इस तरीके से मिलाने के बाद आपको पानी थोड़ा एक्स्ट्रा देना है, इसमें ज़्यादा पानी देना है क्योंकि काफ़ी ड्राई हो चुका था। अब इसकी जो नए शूट्स निकलेंगे वो फिर से बहुत तेज़ी से इसकी ग्रोथ चलने लगेगी, जो ये फल बने हुए हैं ये पकना स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी धीरे धीरे हम हार्वेस्टिंग करते रहेंगे। तो ये पौधा जो है काफ़ी अच्छा है, अभी ये मात्र 8 महीने का पौधा है, 8 महीने में ही आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फल लगे हुए हैं इसमें। और तो आप अपने आसपास अपने नर्सरी में देख लीजिएगा, ये पौधा अगर आपको मिल जाता है तो आप ले लीजिएगा। पौधा बहुत ही विश्वसनीय है और बहुत ही चिकना जो है इसका जो फल होता है बहुत ही चिकने भी लगते हैं, दूसरा इसका जो छिलका होता है बहुत ही पतला होता है, तो बहुत ज़्यादा फल आप पा सकते हैं इस तरीके से। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।